हेलो दोस्तों, अरविंद स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी अरविंद कुमार। तो आप लोगों को भी जो टॉपिक लेके आए हैं, वह टॉपिक है 20 लाख करोड़ में कितना शून्य होता है। तो यह सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है कि 20 लाख करोड़ में कितना शून्य होता है। तो हम आप लोगों को आज इस चीज को पूरा कर देते हैं, 20 लाख पे कितना शून्य होता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, एकदम इजीली और आसान तरीका से बताएंगे। थोड़ा समय दीजिए और बेहतर से बेहतर आप लीजिए, एकदम थोड़ा समय दीजिए और बेहतर से बेहतर लीजिए। तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जब समझ में आएगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। जब नहीं समझ में आएगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो पहले हम क्या करेंगे, एकदम इजीली तरीका से कोई आपसे पूछ दे तो एकदम आसान तरीका से आप भी बता पाओगे। देख लेना इस वीडियो को, देखो क्या है, यहां देखो, यहां सीधा लिख लेना है 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ में कितना शून्य होता है। तो देखिए 20 लाख करोड़, तो क्या करेंगे, पहले हम लाख का क्रिया कर लेंगे फिर करोड़ का क्रिया करेंगे। सबसे पहले हम लाख का क्रिया कर लेते हैं, 20 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, यानी कितना हो गया 20 लाख। 20 लाख पे कितना शून्य हो गया, काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया ना, 6 हो गया। अभी कितना हो गया, 20 लाख पे कितना शून्य हुआ, तो 6 शून्य हो गया। देखते रहिएगा एकदम इजीली तरीका से, एकदम आसान तरीका है भाई, देखते रहना। देख लो, अब हम करेंगे लाख का क्रिया किए हैं, अब करेंगे करोड़ों की क्रिया, करोड़। तो यहां देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़, कितना हो गया यह 1 करोड़ हो गया। तो 1 करोड़ पे कितना शून्य होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़। अब काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर दीजिए यानी जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना, 13 है। तो 20 लाख पे कितना शून्य होगा, तो 20 लाख पे 13 शून्य होगा। आया समझ में ना, 20 लाख पे कितना, तो 13 यानी 13 शून्य होगा। तो 20 लाख पे कितना शून्य होगा, एकदम आसान तरीका से समझ में आया ना, हमको शून्य ही काउंटिंग करना था इसलिए हम लाख कर दिए, फिर करोड़ का क्रिया किए और यहां देखिए इसको ऐड कर दिए, तो कितना हो गया, 7 6 13, यह 13 हो गया। तो 13 को 20 लाख पे कितना शून्य होगा, तो 13 शून्य हो गया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय।